Good morning, myself Dr. Vikas. I am an MD in pediatrics and fellow in developmental pediatric neurology. Friends, आज हम आपके साथ में febrile seizure से जुड़े facts के बारे में discuss करना चाहेंगे. सबसे पहले febrile seizure होता क्या है? Usually देखा यह गया है कि जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं, उनके अंदर जो सबसे बड़ी problem आती है, जो family के लिए काफी drastic होती है, वो होती है febrile seizure. हर 100 में से 5% children को ये दिक्कत होने के chances होते हैं. Febrile seizure होता क्या है? Febrile seizure जब बच्चे को high grade fever आता है, जैसे कि fever 100.4 से ज़्यादा होता है, तो उस समय उसका अगर फिर बच्चे को फिट्स पड़ जाए, जिसको आप भाषा में दंदल या मिर्गी बोलते हैं, तो उसको हम मेडिकल टर्म के अंदर febrile seizure बोलते हैं. Febrile seizure दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल febrile seizure, एक होता है कॉम्प्लेक्स febrile seizure. सिंपल febrile seizure मतलब seizure जो है वो फीवर के फर्स्ट 24 के अंदर आ रहा है. सीजर जो हम आम बोलते हैं कि दोनों हाथ पाँव के अंदर आ रहा है, जिसको मेडिकल साइंस बोलते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर. सीजर का जो ड्यूरेशन होता है यूजली 10 to 15 मिनट से कम का होता है, और यूजली फीवर के अंदर एक ही दौरा आता है. कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज़ से डेविएशन हो तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. जैसा कि नाम से क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स जो सीजर होता है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. होता कैसे है? यूजली 5 साल से छोटे बच्चों में देखा गया है कि जब भी कोई वायरल फीवर होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है या कोई जीआई इन्फेक्शन होता है, उसके साथ में या वैक्सीनेशन जब बच्चे कराए जाते हैं, पर्टिकुलर MMR, DPT, MMRV की वैक्सीनेशन जब होती है, तो उसके साथ में फीवर जो होता है उसके साथ में सिर्फ फिट्स आने के चांसेस होते हैं. अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो फेब्राइल सीजर की, अगर सिबलिंग के अंदर फेब्राइल सीजर की हिस्ट्री हो, या अगर किसी फैमिली मेम्बर को पहले से ही किसी तरह की मिर्गी के दौरे हो, तो उनके अंदर फेब्राइल सीजर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब बात यह आती है कि हम इसका डायग्नोस कैसे करते हैं. तो फेब्राइल सीजर को डायग्नोस करने का सिंपल सा तरीका यह है कि आपको अदर कोज जो होते हैं सीजर के, जैसे कि एपिलेप्सी, जैसे कि मैनिंजाइटिस, जैसे इंसेफलाइटिस, जो ब्रेन के इन्फेक्शन रिलेटेड होते हैं, उनको रूल आउट करना होता है. इसके बारे में पर्टिकुलर गाइडलाइंस है कि पेशेंट को किस ढंग से ट्रीट करना चाहिए, किस ढंग से उसको डायग्नोस करना चाहिए. जैसे कि इवेल्यूएशन में हम लोग टेस्ट जो करते हैं उसके अंदर एक तो मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है EEG, एक MRI आता है, एक उसके ब्लड टेस्ट आते हैं. तो ब्लड टेस्ट इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्यूएशन करना चाहिए उसका. EEG और MRI के बाद रिकमेंडेशन बड़ी क्लियर कट है. अगर पेशेंट को सिंपल फेब्राइल सीजर है, जो कि हमने आपको पहले डेफिनेशन बताया था, तो उसको EEG और MRI की बिल्कुल जरूरत नहीं, जी हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं होती. इसके अलावा उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? अगर बच्चे को सीजर का ड्यूरेशन 5 मिनट से ज़्यादा का है, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है, जिसके लिए बेंजोडाइजेपिन टाइप की मेडिसिन आती है, जो आपका फिजिशियन आपको प्रोवाइड करता है. ये मेडिसिन ओरली पर रेक्टल और नेजल कैविटीज दी जा सकती है. जब एक बार बच्चों को सीजर आता है, फैमिली का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि इसको अगर वापस आएगा तो हम कैसे करेंगे. तो उसके लिए दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है कि लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस, एक होता है इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस. ऐसा रिकमेंडेशन दोनों तरह के ट्रीटमेंट के अवेलेबल है, मगर वो कंडीशन पर डिपेंड करती है. अगर आपके बच्चों को लंबे देर तक दौरे आ रहे हो, बारी बारी दौरे आ रहे हो, तो अपने फिजिशियन से डिस्कस करके इस तरह का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. मगर स्टडी में ये देखा गया कि दोनों मेडिसिन का साइड इफेक्ट ज़्यादा है, ऐसा सिंपल फेब्राइल सीजर के लिए दोनों की रिकमेंडेशन नहीं है. अब बात आती है प्रोग्नोसिस की. ऐसा बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है सिंपल फेब्राइल सीजर का, मगर हाँ 15 से 70% चांस है कि आपके बच्चों का अगर एक बार सीजर आया तो पहले अगले 5 साल तक उसको वापस से फिर आने के चांसेस होते हैं. मगर कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर के साथ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, उसको लॉन्ग टर्म में एपिलेप्सी या अदर दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो बड़े फैक्ट क्लियर है कि ऐसा फेब्राइल सीजर बड़ा सिंपल सीजर होते हैं, लॉन्ग टर्म आउटकम गुड है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते. फिर भी अगर आपको क्वेरीज है तो आप यूट्यूब के इस चैनल पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.